बसमिलीम अल्लाम वेलकम टू अनदर लेक्चर फ्राम जीशान बयालोजी आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एवोल्यूशन के साथ रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गन हैं जिनको हम एवोल्यूशन के एविडेंस के तौर पर यूज़ करते हैं सो द टॉपिक्स आर होमोलोगस ऑर्गन्स एनालोगस ऑर्गन्स एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स अब ये सब क्या हैं और इनकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे लेट्स so बिगिन सबसे पहले हम देखेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स द ऑर्गन्स हैविंग सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस ऐसे ऑर्गन्स जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम हो यानी एक जैसा हो लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट हो तो उसे हम होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं दे आर सपोर्टेड बाय डाइवर्जेंट एवोल्यूशन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इनको सपोर्ट करती है नाउ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब यह होता है कि किसी एक पॉइंट से डिफरेंट पॉइंट्स की तरफ इवॉल्व होना हैव अ लुक ऑन दिस सिंपल डायग्राम यहाँ पर ये एक शेप है और उसी में से ये एक शेप डिवेलप होती है फिर इसी में से एक और शेप डिवेलप होती है और इसी में से थर्ड शेप डिवेलप होती है अगर आप गौर से देखें तो आप देखेंगे इनिशियली एक ही शेप थी लेकिन उससे तीन डिफरेंट टाइप की शेप्स बनी हैं तो हम कहते हैं ये डाइवर्ज हो गई हैं तो एवोल्यूशन में भी अगर एक कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स अपेयर हों तो उसे हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन बेसिकली हमें बताते हैं कि एक कॉमन इंसेस्टर के अंदर डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स अपेयर होना शुरू हुए आप इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन एंड रिमेम्बर होमोलोगस ऑर्गन का इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है अगर आप देखें इस टेबल की तरफ तो सबसे पहले एनिमल है और उसके आगे उसका ऑर्गन लिखा हुआ है देन उसका फंक्शन नाउ हम यहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं उनका स्ट्रक्चर सेम होगा बिकॉज होमोलोगस का मतलब यही है कि इन सब का स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होगा तो अगर आप देखें जो फोर लिम्स की अरेंजमेंट होती है वो तमाम पेंटाडेक्टाइल एनिमल्स के अंदर सेम होती है पेंटाडेक्टाइल मीन्स जिनकी फाइव फिंगर्स होती हैं लेकिन उनके अंदर डिफरेंट टाइप की चेंजेस आती हैं यहाँ पर सारे मैमल्स की एग्ज़ाम्पल दी हुई हैं अगर आप पहली एग्जाम्पल को देखें तो ह्यूमन का जो हैंड है वो ग्रासपिंग के लिए इस्तेमाल होता है यानी किसी चीज़ को पकड़ने के लिए सेकेंड हॉर्स का जो फोर लिम्ब है यानी उसके आगे वाली जो टांग है वो रनिंग के लिए इस्तेमाल होती है इसी तरीके से बैट के विंग्स फ्लाइंग के लिए इस्तेमाल होते हैं व्हेल के फ्लिपर्स होते हैं जिसको वो स्विमिंग के लिए इस्तेमाल करती है तो आप देख सकते हैं ये तमाम मेमल्स के ऑर्गन्स तो डिफरेंट हैं और उसी तरह से इनके फंक्शंस भी डिफरेंट हैं लेकिन उसके बावजूद इनका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होता है ये दिखने में एक जैसे लगते हैं सब के अंदर बोन्स की अरेंजमेंट सिमिलर होती है सो हम कहते हैं द ह्यूमन हैंड हॉर्स फोरलम विंग ऑफ बैट एंड फ्लिपर ऑफ वेल आल ऑफ़ दीज आर होमोलोगस ऑर्गन्स बिकॉज दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस दूसरे नंबर पर आते हैं एनालोगस ऑर्गन्स एनालोगस ऑर्गन्स हैव डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर बट परफॉर्म सेम फंक्शन ये होमोलोगस ऑर्गन के बिल्कुल उलट हैं होमोलोगस में स्ट्रक्चर सेम था लेकिन फंक्शन डिफरेंट था यहाँ पर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा लेकिन फंक्शन सेम परफॉर्म करेंगे दे आर सपोर्टेड बाय कन्वर्जेंट एवोल्यूशन

सो so, इसको हम कहते हैं ये कन्वर्ज हो गए यानी एक पॉइंट पर फोकस हो गए हैं इसकी अगर आप एग्जांपल्स को देखें तो हम जो भी ऑर्गन्स पढ़ने वाले हैं उनका फंक्शन सेम रहेगा दैट इज़ फ्लाइट पहली एग्जाम्पल में बर्ड है और उसका जो ऑर्गन हम देख रहे हैं वो विंग है तो फंक्शन तो इसका फ्लाइट है लेकिन इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो उसमें बोन्स होते हैं और फिदर्स होते हैं सिमिलरली अगर आप बैट के विंग को देखें तो फंक्शन इसका भी सेम है फ्लाइट लेकिन स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट है इसमें बोन्स होंगी और स्किन होती है बटरफ्लाई के अंदर भी विंग्स फंक्शन इज सेम फ्लाइट बट द स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट बिकॉज उसमें बोन्स नहीं होती उसमें फिदर्स नहीं होते इंस्टेड ऑफ़ दैट वो उसका जो एक्जोस्केलेटन होता है बॉडी के बाहर वो उसकी एक्सटेंशन है और वही ट्रांसफॉर्म होकर विंग्स बनाती है आप देख सकते हैं इन तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन उसके बावजूद ये सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं थर्ड वन इज़ द वेस्टिजियल ऑर्गन वेस्टिजियल ऑर्गन हैव नो स्पेसिफिक फंक्शन और दे हैव नो नॉन फंक्शन

तो उसमें जो ऑर्गन्स हैं उसमें पहला है एयर लोब ये कान के नीचे एक छोटा सा लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका कोई नॉन फंक्शन नहीं है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पिन्ना ऑफ द एयर पिन्ना पूरे का पूरा उसका फंक्शन होता है वो साउंड वेव्स को कैप्चर करता है लेकिन उसके एंड पर एक छोटा सा पार्ट होता है सॉफ्ट सा वो एयर लोब है उसका कोई नॉन फंक्शन नहीं है सेकेंड थिंग इज कॉकेक्स दिस इज़ मोर कॉमनली नोन एज टेल बोन जहाँ पे हमारा वर्टिब्रल कॉलम या बैक बोन एंड होती है उसके बिल्कुल एंड पर अगर आप देखें तो कुछ फ्यूज बोन्स होती हैं जिनको हम टेल बोन्स कहते हैं अब ह्यूमंस के अंदर तो टेल होती नहीं है इसलिए उन बोन्स का भी कोई खास फंक्शन नहीं है नेक्स्ट वन इज़ मेल्स मेमरी ग्लैंड मेमरी ग्लेंट्स जो हैं वो मेल और फीमेल्स दोनों के अंदर होते हैं लेकिन मेल्स में जस्ट स्पॉट्स होते हैं लेकिन फीमेल्स में वो एक्टिवेट हो जाते हैं और मिल्क प्रोडक्शन भी करते हैं जबकि मेल में ऐसा नहीं होता तो हम कहते हैं मेल के अंदर वो वेस्टिजियल हैं यानी उनका कोई फंक्शन नहीं है नेक्स्ट वन इज़ अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है सीकम उसकी एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है अपेंडिक्स और कुछ लोग कहते हैं कि ये रैबिट वगैरह के अंदर इम्यूनिटी के अंदर इसका कोई रोल होता है लेकिन ह्यूमन के अंदर इसका कोई खास रोल नहीं है नेक्स्ट वन इज निकटिटेनिक मेम्ब्रेन निकटिटेनिक मेम्ब्रेन आईज़ के ऊपर पाई जाने वाली एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर होती है जिसको बर्ड्स और एम्फीबियन वगैरह यूज़ करते हैं वो स्विमिंग और फ्लाइट के दौरान में अपनी आईज को इस मेम्ब्रेन के साथ कवर कर लेते हैं ताकि वो इसके अंदर से भी देख सकें और उनकी आईज को नुकसान ना पहुंचे लेकिन ह्यूमन्स के अंदर ये लेयर यानी निकटिटेनिक मेम्ब्रेन ये आई की साइड पर फोल्ड होती है और इसका कोई ख़ास फंक्शन नहीं होता नेक्स्ट वन इज़ विजडम टीथ जिसे अकल कहा जाता है इसका भी कोई खास फंक्शन ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं है और ये एक्चुअली थर्ड मोलर टीथ है आपने पढ़ा होगा टीथ की डिफरेंट टाइप्स होती हैं के नाइन्स एंड साइजर्स मोलर्स एंड प्री मोलर्स तो ये जो मोलर्स होते हैं लास्ट बड़े वाले टीथ होते हैं ये थर्ड मोलर को विजडम टीथ कहा जाता है तो इसका भी कोई नॉन फंक्शन नहीं है साइंटिस्ट uh, कहते हैं प्रॉबेबली हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो जंगल में रहा करते थे और वहाँ पर वो ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह को ज्यादा खाते थे लीव्स वगैरह को खाते थे तो वो ग्राइंडिंग के लिए इनको यूज करते थे बट हमारी बॉडी में इस वक्त इनका कोई फंक्शन नहीं है नेक्स्ट इफ़ यू लुक एट पाइथन देयर आर स्मॉल बोन्स ऑफ द हाइंड लेग्स स्नैक के अंदर लेग्स आम तौर तो पे नहीं होती लेकिन अगर आप इस स्नक को या पाइथन को आप काट के देखें तो छोटी छोटी बोन्स उसके स्किन के अंदर एम्बेडेड होती हैं तो साइंटिस्ट का ख्याल है कि हो सकता है यहाँ पर पहले लेग्स थी जो कि अभी रिड्यूस हो गई हैं सिमिलरली अगर आप वेल के अंदर देखें तो उसकी भी टेल के करीब आ, कुछ छोटी छोटी बोन्स स्किन के अंदर एम्बेडेड होती हैं जिनका कोई नॉन फंक्शन नहीं है सो ऑल ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर कंसिडर्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन सो आई होप आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और मजीद ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर अल्लाह हाफ़िज